चलिए अब हम 2022 का 2022 का जो पेपर हुआ था एचएस का उसका अकाउंट्स अकाउंट्स का हम लोग एमसीक्यू देखने वाले हैं। चलिए चलिए पार्ट बी में हम लोग आ गए जिसमें एमसीक्यू है अपना। पहला क्या दिया हुआ है, करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो डेबिट भी हो सकता है क्रेडिट भी हो सकता है। तो देखो आर ऑलवेज डेबिट बैलेंस आर ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस मे बी डेबिट और क्रेडिट। आंसर इज सी मे बी डेबिट और क्रेडिट। पॉइंट नंबर टू जो है हु विल नॉट बी द पार्टनर इन द पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म में कौन पार्टनर नहीं बन सकता। सिंपल इंसॉल्वेंट पार्टनर यदि इंसॉल्वेंट पर्सन है मतलब दिवालिया जिसको घोषित कर दिया गया है वो कभी नहीं बन सकता। मतलब पॉइंट नंबर ए इंसॉल्वेंट का मतलब होता है जिसका लाइबिलिटी ज्यादा है और एसेट्स कम है और उसको कोर्ट के द्वारा इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया गया तो उसे बोलेंगे इंसॉल्वेंट और वो कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता। उसके बाद पॉइंट नंबर थ्री एट ए टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन के टाइम पे वैल्यू ऑफ मशीनरी हैज बीन इंक्रीज्ड। कोई भी एसेट्स यदि इंक्रीज हो रहा है तो एंट्री क्या होता है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो एसेट्स को डेबिट करेंगे। एसेट्स मतलब यहाँ पे मशीनरी है। तुमसे क्या पूछ रहा है विच अकाउंट्स टू बी डेबिटेड। आंसर इज मशीनरी अकाउंट इज टू बी डेबिटेड। ठीक है पॉइंट नंबर फोर ए बी सी तीन पार्टनर है तीनों पार्टनर के बीच का रेशियो 4:2:1 जिसमें से बी क्या हो रहा है रिटायर हो रहा है। बी जो है रिटायर हो रहा है। मैं इसको एकदम सिंपल बताया था कि क्लास में भी बताया था इसके पीछे लॉजिक भी बताया था। आपको कभी भी कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछे तो एक काम करना सिंपल आप इस जो 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 रिटायर हो रहा है उसको उसको खाली ये कर दो तो आंसर क्या बचा 4:1। तो 4:1 आगे देखते हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर फाइव द लेटेस्ट कंपनीज एक्ट। जो अभी लेटेस्ट कंपनीज एक्ट 2013 चल रहा है। कौन सा चल रहा है 2013। उसके बाद फिर कैपिटल ये है सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम तो सिंपल है कैपिटल प्रॉफिट होता है। ये तो ऑलरेडी ईयर का ही 2018 में आया हुआ क्वेश्चन था। ये सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है कैपिटल प्रॉफिट होता है। उसके बाद बोल रहा है कि एक्सेस क्रेडिट बैलेंस शेयर फॉरफिचर। जो भी पैसा शेयर फॉरफिचर्स में हम लोग रीइशू करने के बाद जो भी बैलेंस बचता है शेयर फॉरफिचर का उसको हम लोग एक अलग से रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। उसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। ऑलरेडी इसका जनरल एंट्री में हम लोग जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए थे तो हम लोग यहाँ पे बताए थे कैपिटल रिजर्व। ठीक है पॉइंट नंबर एट द शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या होता है कौन सा मनी है कौन सा अकाउंट है। आंसर इज पर्सनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है बताओ पर्सनल अकाउंट है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 सब ईयर से आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है पॉइंट नंबर फाइव पॉइंट नंबर टेन इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। मान लो पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो रेशियो क्या होगा इक्वली 1:1:1 इक्वली इक्वल शेयर प्रॉफिट शेयर रेशियो। उसके बाद बोल रहा है व्हाट इज कॉल्ड एक्सेस। एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करते तो जो निकल के आता है उसे बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। आंसर इज सुपर प्रॉफिट। पॉइंट नंबर 11 रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट है कौन सा अकाउंट है ये नॉमिनल अकाउंट है। उसके बाद बोल रहा है पीएल अप्रोप्रिएशन कौन सा अकाउंट है ये भी एक नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है पॉइंट नंबर 12 ए बी आर द इक्वल पार्टनर्स। अच्छा किसी के माइंड में आ रहा है सर ये नॉमिनल पार्टनर क्यों है। भाई क्लास में ऑलरेडी मैं बताया था नॉमिनल पार्टनर बोल रहा हूँ मैं सॉरी नॉमिनल अकाउंट क्यों है। तो इसके इसको क्लास में मैंने बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करके बताया था। ठीक है उसको मैं यहाँ पे अभी कंसिडर नहीं कर रहा क्योंकि मैं क्विक रिविजन का वीडियो बना रहा हूँ। पॉइंट नंबर 12 ए बी इक्वल पार्टनर है ए 1:1 दे एग्री टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। ए जो है बी जो है रेशियो था 1:1 अब ये लोग क्या कर लिया ये लोग प्रॉफिट को चेंज करके 3:2 कर दिया। बोला था इंडिविजुअल पार्टनर गेन द सैक्रिफाइस ड्यू टू अ चेंज इन रेशियो। बताओ किस पार्टनर्स को फायदा हुआ किस पार्टनर्स को नुकसान हुआ वो तुमसे पूछा। तो सिंपल वर्ड में बताऊं मैं तो देखो एक बार ए का जो है 1:1 था अब जो है इसका 3/5 हो गया 3/5 हो गया और इसका 1/2 था इसका 1/2 था अब हो गया तुम्हारा 1/3 सॉरी 1/5। ठीक है ये बस सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करोगे सिंपल सा यदि बात करो एकदम सिंपल वर्ड में यदि हम देखते हैं तो मैं पहले बताता हूँ इसको बी को यदि मैं बात करूं बी को तो बी का अभी अभी 1/3 1/2 मतलब हाफ दे रहा था और अब क्या होने वाला है अब होने वाला है सॉरी अब होने वाला है 2/5 मतलब जाहिर से बात है इसको नुकसान होगा। बी को क्या हो रहा है नुकसान हो रहा है। सोचो ना एक बार पहले वो प्रॉफिट का हाफ ले रहा था 1/2 अब प्रॉफिट का क्या हो रहा है 2/5 ले रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस है इसका सेक्रीफाइस होगा। बट यदि हम ए के बारे में बात करें तो ए को जो है 1/3 मिल रहा था सॉरी 1/2 मतलब हाफ मिल रहा था अब इसको कितना मिल रहा है 3/5 मतलब हाफ से भी ज्यादा मिल रहा है। हाफ इसका क्या होगा 5 का हाफ कितना होना चाहिए ढाई ढाई होना चाहिए और मिल कितना रहा है 3। इसका मतलब ए को कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है ए को फायदा हो रहा है कहीं ना कहीं और बी को नुकसान हो रहा है कहीं ना कहीं। सबसे पहले इस स्टेप के सेंस में आप क्या करना आप सबसे पहले इस तरीके से जैसे मैंने सोचा ना वैसे सोच लो और उसके बाद फिर क्या करो ए तो समझ में आएंगे कि ए को गेन हो रहा है और बी को नुकसान हो रहा है। तो ए का गेनिंग रेशियो निकालो पहले बार ए का गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। हाँ सर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ए का न्यू रेशियो क्या होगा ए का न्यू रेशियो 3/5 ए के बारे में बात करूंगा और ओल्ड रेशियो क्या था 1/2 इशू निकालते हैं तो कितना आएगा ये आ जाएगा
सिक्स माइनस फाइव डेट इज 1/10, तो ए को फायदा हो रहा है 1/10, बी को नुकसान होने वाला है, तो बी का सेक्रीफाइस निकालो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना था 1/2, न्यू रेशियो कितना था 2/5, तो रेशियो निकालो तो आ जाएगा 5 - 4 डेट इज 1/10। अच्छा मतलब बी को है सेक्रीफाइस हो रहा है बी का, और ए को है, ए को फायदा हो रहा है 1/10 और बी को नुकसान हो रहा है 1/10। ए को फायदा हो रहा है और बी को नुकसान हो रहा है, आंसर इज नंबर ए। क्लियर है क्या? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में और करके दिया हुआ है, एक्स वाई आर द इक्वल पार्टनर, इक्वल पार्टनर मतलब 1:1। बोल रहा है कि कैपिटल दोनों का है 10 है और 20 है। जेड इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर, जेड जो है 1/4 के लिए आया है, और जेड ब्रिंग्स 12,000 एज कैपिटल। बोल रहा है कि ये 12,000 रुपये कैपिटल लाया है, तुमसे पूछ रहा है तो बताओ यदि 12,000 रुपये 1/4 के लिए लाया है तो बताओ टोटल कैपिटल कितना होगा। सिंपल, 4 1/4 को उल्टा कर देंगे और 12,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेट विल कम टू 48,000, 48,000। ठीक है, आ जाओ पॉइंट नंबर 13, पीएल और ऑन रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रीवैल्यूएशन इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर्स। सिंपल है यार, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे चाहे वो एडमिशन हो, चाहे वो डेथ हो, रिवॉल्यूशन कहते हैं कोई आइटम बचता है तो प्रॉफिट लॉस होता है, तो प्रॉफिट लॉस हमेशा ओल्ड प्रॉफिट इन रेशियो में बटेगा। सिंपल सा बात है, ये एडमिशन दो चाहे रिटायरमेंट हो कुछ भी दे। पॉइंट नंबर 14, इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ऑफ कैपिटल विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस बाय द रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर यदि करता है विड्रॉन तो रेट हो जाएगा 6% रेट। क्या हो जाएगा बताओ? 6% रेट। ठीक, सिंपल। ये देखो ये चीज लॉजिकली वाइज तो मैं बोल जो बोलने जा रहा हूँ वो शायद हो सकता है गलत हो, बट आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यदि कोई परसेंटेज मिले के कोई दिक्कत है तो याद रखना 6% ही है पीएल अप्रोप्रिएशन में, अधिकतर क्वेश्चंस के आंसर 6%। ठीक है, पॉइंट नंबर 15, तुक्का मार सकते हो ऐसे आप। रेट ऑफ इंटरेस्ट इन कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस का इंटरेस्ट रेट है 12%, कॉल्स इन अरियर का रेट है 10%। याद रखना, कहीं लिखना है तो लिख लेना, कॉल्स इन एडवांस का रेट है 12% और अरियर का रेट है 10%, बस ये दोनों में से कोई एक एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 16, द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल जो कि कंपनी इशू कर चुका है पब्लिक में, तो जो भी पैसा हम लोग मार्केट में इशू कर देते हैं उसे बोलते हैं इशूड कैपिटल, जो बिक्री हो जाता है उसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल, जितना पैसा मंगवाते हैं उसको बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। याद आ रहा है, ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब होता है मैक्सिमम कैपिटल। ठीक है, तो इसका आ जाएगा क्या, इशूड करना, इट इज इशूड कैपिटल। प्रिफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड जो मिलता है वो फिक्स रेट रहता है उसका, इसीलिए इसको हमेशा 10% प्रिफरेंस शेयर, 12% प्रिफरेंस शेयर नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें डिविडेंड रेट क्या होता है, फिक्स होता है, फिक्स होता है, फिक्स रेट है। पॉइंट नंबर 17, द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज स्टेटेड, स्टेटेड मतलब होता है लिखा हुआ, किस डॉक्यूमेंट के अंदर में ऑथराइज्ड कैपिटल लिखा रहता है, आंसर इज एमओए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोल के एक अलग से डॉक्यूमेंट्स होता है एक कंपनी के पास, जो डॉक्यूमेंट्स में वो उसको लिखना पड़ता है उसको कैपिटल, उसमें के अंदर में ना कैपिटल क्लॉज होता है उसके अंदर में लिखा रहता है ऑथराइज कैपिटल। ठीक है, पॉइंट नंबर 18, मैं उसका एक्सप्लेनेशन नहीं बताना चाहता। ठीक ठीक है, पॉइंट नंबर 18, फेस वैल्यू ऑफ शेयर है, मान लो शेयर का दाम है फेस वैल्यू 100 रुपया है और अभी तक वो 90 रुपया मंगाया है, जिसमें से 8 रुपये 80 रुपया पेड अप है, तुमसे पूछ रहा है बताओ सेल्फ ऑफिसर करने के लिए जब फिर सेल्फ ऑफिसर को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे तो कितना अमाउंट को क्रेडिट करोगे। फिर सेल्फ ऑफिसर का अमाउंट को क्रेडिट करते हैं मतलब जितना अमाउंट हम लोगों को मिला रहता है उसी को हम लोग प्रॉफिट करते हैं, तो कितना रुपया मिला है, 90, 100 रुपए का शेयर 90 मंगवाए थे, कॉल्ड अप का मतलब होता है मंगवाना, और 80 रुपया मिला था, आंसर इज 80 रुपया मिला था, जितना मिला था उतना ही जब कर सकते हैं, आंसर इज 80 रुपीज, आंसर इज 80 रुपीज। खत्म, पार्ट वन खत्म, पार्ट टू अब देखा है, अब देखते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैश फ्लो स्टेट, कैश फ्लो के अंदर में कितने टाइप्स, A3 के अनुसार कितने एक्टिविटीज है, तीन एक्टिविटीज है, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग, आंसर इज थ्री। इन केस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट डिवाइडेड डिविडेंड पेड, इधर वो डिविडेंड पे कर रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी से कोई किसी से हम पैसा लिए थे, जब भी पैसा लेते हैं वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी माना जाता है, आंसर इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अरे शेयर्स के बदले में वो डिविडेंड देंगे ना, तो शेयर्स के बदले में डिविडेंड देंगे मतलब शेयर्स तो अपने आप में फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो उसको उसके बदले में जो डिविडेंड पेमेंट करे वो भी अपना फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर में माना जाएगा। पॉइंट नंबर थ्री, विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आएगा। ठीक है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स ऑपरेटिंग है, बिजनेस का है, सैलरी ऑपरेटिंग है, सिंपल वर्ड है जो पीएल अकाउंट में जाता है ना वो सब पीएल ट्रेडिंग, वो सारा का सारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इनकम टैक्स ऑपरेटिंग है, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, ये जो है ये इन्वेस्टमेंट से हम लोगों को इंटरेस्ट मिला है, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माना जाएगा, मतलब ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, आंसर इज पॉइंट नंबर डी। आगे बढ़े पॉइंट नंबर 4, व्हाइल कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट
ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग के जब प्रॉफिट निकालने जाओ तो आइटम टू बी एडेड, इसमें से कौन सा आइटम को ऐड करोगे? गुडविल रिटन ऑफ ऐड होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स ऐड होगा, डेप्रिसिएशन ऐड होगा, ऑल आंसर इज ऑल, तीनों का तीनों चीज ऐड करते हैं। ठीक है, अंडर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड C3, देखो देखो इसका देखो ना, बुक में ही आंसर दिया हो रहा है। देखा A3 यहाँ पे लिख दिया था कैश फ्लो, और यहाँ पे फिर से क्वेश्चन पूछा A3। ठीक है, इसको मैं याद करा था कैश फ्लो स्टेटमेंट तीन है ना, तो तीन A3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ठीक है, पॉइंट नंबर 6, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, एसेट्स से रिलेटेड कोई भी टाइप का एक्टिविटी को बोलेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इज कंसीडर्ड एज अ फॉलोइंग एक्टिविटी, कौन सा एक्टिविटी माना जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चलिए दैट्स अ कंप्लीशन ऑफ आवर एमसीक्यू ऑफ 2022। हमारा 2022 पूरा का पूरा एमसीक्यू 2015 से लेके 2022 तक हम लोग यहाँ पे कवर कर लिए। अब इसके बाद जो हम लोग इसका एसईक्यू देखेंगे, एसईक्यू हम लोग सॉल्व करेंगे पहले, फिर से 2015 से लेकर 2022 तक, फिर उसके बाद पास्ट पेपर्स के जो प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन है वो हम लोग कवर करने वाले हैं। अच्छा, इसके अलावा हम लोग निर्मल का और ये अपना विजय दोनों पब्लिकेशन का जो सेशन आता है, उस सेशन में जो एमसीक्यूज दिए हुए हैं उसको भी हम लोग अभी कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बने रहिए, बाय, थैंक यू।